खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के घर चलो घर घर चलो अभियान बिना मास्क के ही आरंभ। प्रदेश भर में कांग्रेस का घर घर चलो अभियान का आज से आगाज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा आज से देवास से इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें घर घर चलो अभियान की लोगों को जानकारी देते हुए सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस कड़ी में राव विधानसभा से कांग्रेस विधायक एवं कांग्रेस सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी घर घर चलो अभियान के तहत अपने क्षेत्र की जनता से संवाद के दौरान प्रशासन द्वारा जारी की गई कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा बिना मास्क के नजर आए। जहां एक तरफ शहर में लगातार कोविड संक्रमित की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वही जीतू पटवारी जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अपनी सूझबूझ का परिचय ना देते हुए क्षेत्र की जनता के बीच उनके घरों पर बिना मास्क लगाए ही पहुंच रहे हैं। शायद कांग्रेस नेता जीतू पटवारी अपने क्षेत्र की जनता से इतना लगाव और स्नेह रखते हैं कि उन्हें अपने क्षेत्र वासियों के स्वास्थ्य की ही बिल्कुल चिंता नहीं है। अपने क्षेत्र में जनसंवाद के दौरान विधायक जीतू पटवारी मास्क की एक दुकान के पास भी रुके, लेकिन महाशय ने एक मास्क खरीदना जरूरी नहीं समझा। बेशक कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने अजर अमर होने हेतु अमृत का रस पान किया हो, लेकिन पटवारी जी, आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता एवं आम जन ने इस अमृत का रस पान नहीं किया है। अब कांग्रेस नेता जीतू पटवारी आमजन की जान खतरे में डालकर प्रशासन द्वारा जारी की गई कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए क्यों नजर आ रही हैं, ये तो वही बता पाएंगे।